बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है ये फर्स्ट लेक्चर है प्रेपरेशन फॉर द पीपीएससी लेक्चर मैथ्स। जैसे कि हम जानते हैं कि लेक्चर्स की बहुत सी पोस्ट जो हैं वो अपकमिंग हैं, प्रोसेस में हैं, और ये सुनने में आ रहा है कि अबाउट टू पब्लिश के बहुत सी पोस्ट जो हैं वो आएंगी लेक्चरशिप की। तो उसमें जो मैथ्स की लेक्चरशिप है उसके लिए मेरे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। आज मेरा पहला लेक्चर है उस सिलसिले में। जैसे कि हम जानते हैं कि लेक्चरशिप में जो पेपर आता है वो एमसीक्यूज टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और जो लोग एमएससी मैथ्स कर चुके हैं वो जानते हैं पिछले कुछ सालों की प्रैक्टिस से कि उसमें हमारे जो एमएससी पार्ट वन के कोर्सेज़ हैं वही इन्वॉल्व होते हैं। पार्ट टू के कोर्सेज देखने में आया है कि वो इन्वॉल्व नहीं होते। पार्ट वन के जो कोर्सेज, 5 कोर्सेज जो हम एमएससी पार्ट वन में पढ़ते हैं, वो आपके सामने लिखे हुए हैं, ग्रुप थ्री से लेकर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तक। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको इन तमाम कोर्सेज़ के ऊपर अपने लेक्चर्स बना के दूँ, ताकि आपको एक ही जगह पे एक वे मिल जाए तैयारी का, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बहुत ज़्यादा बुक्स को ना देखना पड़े। बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ, की प्रैक्टिस की तरफ आने से पहले बेहतर है कि आपके हर कोर्स के ऊपर आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत क्लियर हों। आपके कॉन्सेप्ट्स जब अच्छे होंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, एमसीक्यूज को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैंने आज मेरा पहला लेक्चर है, और जो पहला कोर्स है ग्रुप थ्री का, मैं सबसे पहले इसके ऊपर आपको अपने डिटेल लेक्चर्स बना के दूँगी। मेरे कुछ लेक्चर्स इसके ऊपर होंगे, और फिर वन बाय वन हर टॉपिक के ऊपर, हर कोर्स के ऊपर मैं आपको इंशाल्लाह लेक्चर्स बना के दूँगी, ताकि आपको कंपाइल फॉर्म में वो सब चीज़ें जो कि आपके हेल्पफुल होंगे पेपर अटेम्प्ट करने में, वो आपको एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म से मिल सकें। इस सिलसिले में जो पहला कोर्स मैंने सेलेक्ट किया है वो ग्रुप थ्री है, और ग्रुप थ्री में हम बिल्कुल बेसिक से इंशाल्लाह इस कोर्स के बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और एंड तक मेरी कोशिश होगी कि कुछ लेक्चर्स में ये कवर हो जाए सारा टॉपिक ग्रुप थ्री का, और फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ की तरफ अटेम्प्ट करने की तरफ आएंगे, और फिर आपकी इंशाल्लाह जो है वो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले देखते हैं ग्रुप थ्री, और ग्रुप थ्री में जो बेसिक डेफिनेशन है, ग्रुप्स होते क्या हैं। ग्रुप जो है उसके लिए आपको एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होता है, और उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए होता है। बाइनरी ऑपरेशन जो है ये कोई भी हो सकता है, जैसे कि हम अपनी रूटीन लाइफ के बाइनरी ऑपरेशन से जो बहुत ज़्यादा ग्रुप थ्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं, मैं उन्हीं की बात करूँगी। वो जो ऑपरेशन इस्तेमाल होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, तो मैंने इसलिए इन जनरल यहाँ पे स्टैटिक लिखा है। कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, इनके अलावा भी हो सकते हैं। ये एक ऑपरेशन, एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होता है, और ये दोनों मिलके जो हैं वो चार लॉज अगर सेटिस्फाई कर दें तो वो सेट जो है वो हमारे पास ग्रुप बन जाता है। वो चार लॉज आपके सामने लिखे हुए हैं, कोलाइडर लॉ, आइडेंटिटी, इन्वर्स एंड एसोसिएटिव लॉ। ये चार लॉज जो हैं इनको होल्ड ये कैसे करते हैं, कोलाइडर लॉ, जैसे कि हम जानते हैं कि कोलाइडर लॉ जो है वो कोई से दो एलिमेंट्स लेके आपने उनके ऊपर ऑपरेट कराना होता है ये ऑपरेशन, और फिर उनका आंसर भी आपके पास उसी सेट में होना चाहिए। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ में ये है कि आपके पास इस सेट के अंदर एक एलिमेंट एज एन आइडेंटिटी होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं उसे, जैसे कि बाय नेम ये लॉ जाहिर है कि आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो कि आपके इस सेट के अंदर, इस जी सेट के अंदर मौजूद हर एलिमेंट की आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। उस सेट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, और ये हर एलिमेंट के साथ ऑपरेट होता है, लेफ्ट से भी राइट से भी, और आंसर में आपके पास जो है वही एलिमेंट वापस आ जाता है। तो इस एलिमेंट को हम जो है लेफ़्ट आइडेंटिटी भी कहते हैं, और हम राइट आइडेंटिटी भी कहते हैं। अगर ये लेफ़्ट साइड से सिर्फ ऑपरेट हो तो लेफ़्ट, और अगर राइट से तो राइट आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है कि एक एलिमेंट जो आइडेंटिटी होता है वो लेफ़्ट और राइट दोनों प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होती हैं। इसी तरह से इन्वर्स लॉ है। इन्वर्स लॉ ये कहता है कि आपके अंदर इस सेट के अंदर मौजूद हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है अंडर द स्पेसिफिक ऑपरेशन जो भी है वो मौजूद होना चाहिए। इसके बिल्कुल आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह इसमें भी लेफ़्ट और राइट इन्वर्सेज होते हैं। अगर लेफ़्ट साइड से ऑपरेट हो या राइट साइड से ऑपरेट हो, इसका मतलब है कि एक एलिमेंट अगर इन्वर्स होता है तो वो लेफ़्ट इन्वर्स भी होता है और आपका राइट इन्वर्स भी होता है। इसके अलावा एसोसिएटिव लॉ से तो सब वाकिफ़ हैं, एसोसिएटिव लॉ भी उस ऑपरेशन के अंडर होना चाहिए। तो ये चार लॉज अगर किसी सेट में होते हैं तो वो सेट आपका ग्रुप बन जाता है, और साथ ही साथ पांचवी प्रॉपर्टी आपके पास कम्यूटेटिव लॉ की है। ये प्रॉपर्टी हर ग्रुप के अंदर नहीं होती है, हर ग्रुप आपका अबेलियन ग्रुप नहीं होता। तो जिस ग्रुप के अंदर अबेलियन प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी वो ग्रुप जो है वो अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा,
अदरवाइज वो सिंपल ग्रुप है, ठीक है जी। इसके बाद हम इसकी कुछ रियल लाइफ की एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। इसकी वो एग्जांपल्स जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी और जिनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी है, उन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। आपके पास पहली चार एग्जांपल्स जो कि हमारी रियल लाइफ के सेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रैशनल रैशंस, इंटीजर और रियल नंबर्स का सेट। ये तमाम सेट्स जो हैं वो अंडर एडिशन ग्रुप होते हैं, ठीक है। और यही तीन सेट, ऊपर वाले जो तीन सेट्स हैं, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप होते हैं, लेकिन सिर्फ इतना काम आपको करना पड़ेगा कि आप इन तीनों सेट्स में से ज़ीरो को इग्नोर कर दें। ज़ीरो को क्यों इग्नोर किया? बिकॉज ज़ीरो जो है वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर, किसी भी सेट के अंदर अगर ज़ीरो मौजूद है तो वो उसको हिंडर करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाने में। क्यों? क्योंकि इन्वर्स लॉ फेल हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है एज़ वी नो कि इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी किसी सेट का हिस्सा नहीं है। इस वजह से इन्वर्स तो आपका फेल हो जाएगा और फिर आपका वो सेट जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनेगा। अब किसी भी सेट में से क्या ये फैक्ट है कि किसी भी सेट में से ज़ीरो इग्नोर कर दिया जाए तो वो सेट जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाएगा? तो ऐसा नहीं है। आपके सामने इंटीजर्स का सेट लिखा हुआ है, इंटीजर्स का सेट में से अगर आप ज़ीरो इग्नोर कर भी देते हैं तो भी वो सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनता। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। तो ये पॉलिसी जो है वो सिर्फ आपकी ये तीन सेट्स के साथ लगती है, रियल्स, रैशनल्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ, कि अगर आप इनमें से सिर्फ ज़ीरो को इग्नोर करते हैं तो आपके पास ये सेट्स जो हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा एग्जांपल यूज़ होती है ग्रुप्स की, वो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 है। ये जो सेट हैं ये आपके पास रेजिड्यू क्लासेस मॉडलो एन हैं, यानी कि किसी भी नंबर के जो रेजिड्यू क्लासेस हैं अगर आप उसको एक सेट में इकट्ठा कर लें, जितने भी रेजिड्यूज़ हैं, तो वो सेट आपके पास एक ग्रुप बनाते हैं अंडर एडिशन। ये सेट स्पेसिफिकली याद रखिए कि ये सेट्स जो हैं अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं। अब इसकी सिलेक्शन कैसे की जाती है, इसका तरीका भी याद रखने का वो मैं आपको बता दूं कि ये जीन्स जो हैं वो किसी भी एन जो है वो, पहले बात याद रखें कि ये आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है और ये पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि आप C1 से लेकर ऑनवर्ड आप मुख्तलिफ रेजिड्यू क्लासेस के 1 से स्टार्ट करके ऑनवर्ड मुख्तलिफ रेजिड्यू क्लासेस बना सकते हैं। अब रेजिड्यू क्लासेस डिवीजन से मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी कि जैसे आप किसी भी नंबर को n से अगर डिवाइड करें तो उसके जो रेजिड्यूज़ या रिमाइंडर्स बचते हैं वो रिमाइंडर्स क्या होते हैं। वो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है एक, और दूसरा हमारे डिवाइजर से हमेशा लेस होता है। तो जितने भी, अगर फॉर एग्जांपल n स्टैंड्स फॉर 7, अगर n का मतलब 7 है, तो 7 से जब आप किसी नंबर को डिवाइड करती हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर या तो 0 होगा, मिनिमम 0 होगा, और मैक्सिमम जो है वो 6 हो सकता है, यानी कि आपके 7 से लेस। तो फिर उस 7 के रिस्पेक्ट से जो आपके रेजिड्यू क्लास बनेगी वो 0 से 6 तक के एलिमेंट्स होंगे जो कि ये Z7 में आएंगे। तो ये आप टेक्निक याद रखें कि आपके रेजिड्यू क्लास में एलिमेंट्स 0 से स्टार्ट होते हैं और उस मॉडलों से एक नंबर कम तक, ठीक है। तो ये इसको याद रखने की टेक्निक मैंने बता दी। ये जो सारे सेट्स होते हैं ये रेजिड्यू क्लासेस के, ये अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होते। इम्पॉर्टेंट टू नोट। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, यही रेजिड्यू क्लासेस के सेट्स को मैंने डिस्कस किया है। यही रेजिड्यू क्लास जिनको मैंने कहा कि ये अंडर एडिशन ग्रुप होते हैं और अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होते, यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बन सकते हैं, लेकिन सीधे तरीके से नहीं। मतलब इन जनरल हम आराम से इन्हें ये नहीं कह सकते कि यही एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हों तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाएंगे, या इसकी तरह सिर्फ इसमें से ज़ीरो इग्नोर कर दें तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाएंगे। इसमें थोड़ी सी आपको इसका कुछ तरीक़ेकार है, वो ये है कि अगर आप, जैसे मैंने आपको मिसाल लेके समझाया कि Z6 आप मॉडलो 6 के रिस्पेक्ट से रेजिड्यूस उसके बनाएं, ये अंडर एडिशन तो ग्रुप है लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें से कुछ एलिमेंट्स इग्नोर कर दें तो फिर ये सेट जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बन जाता है। जैसे कि मैंने इसमें से ज़ीरो को इग्नोर किया, वो तो लाजमी आपको पता है, अगर आप अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं तो ज़ीरो को तो लाजमी हमने माइनस करना होगा। इसके अलावा 2, 3 और 4 जिनको मैंने टिकआउट किया है, ये तीन एलिमेंट्स ही मैंने इसमें से निकाल लिए हैं। वो क्यों मैंने निकाले, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है कि आप के मॉडलो क्लास में से, रेजिड्यू क्लास में से आपने वो एलिमेंट इग्नोर किए जिनका अगर आप अपने मॉडलों के साथ GCD लें तो वो नॉन को प्राइम है, यानी कि ये एलिमेंट्स जो हैं आपके मॉडलों के साथ को प्राइम नहीं हैं। तो जो एलिमेंट्स को प्राइम नहीं होंगे आपने उन्हें निकाल देना, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो हैं ये प्रॉब्लम करेंगे, ये हिंडर हैं हमारे इस सेट को अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाने में। तो अगर इन तीन एलिमेंट्स को इंक्लूडिंग ज़ीरो
अगर आप इग्नोर करते हैं तो फिर पीछे जो एलिमेंट्स बच जाते हैं वो आपके पास 1 और 5 हैं, ये सेट आप बहुत बासानी आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। तो ये रेजिड्यू क्लास के जो सेट्स होते हैं ये अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं। बट अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें डिस्कस करना है तो इसकी टेक्निक ये है कि आप इसमें से इस तरह के एलिमेंट्स को इग्नोर कर दें और बाकी फिर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बन जाएंगे। यही रेजिड्यू क्लासेस में से कुछ मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, Z3, Z7, Z5, Z7, Z11। ये मैंने क्यों लिखे हैं, इनमें आप गौर करें कि ये वो रेजिड्यू क्लासेस हैं जो कि प्राइम नंबर की रेजिड्यू क्लासेस हैं, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये सारे मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं। अगर आप सबस्क्रिप्ट में प्राइम नंबर या मॉडलो आप अपना प्राइम नंबर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें टेक्निक जो है उसको अंडर, ये सब जाहिर है ये रेजिड्यू क्लासेस भी अंडर एडिशन ग्रुप हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर इनको अगर मल्टीप्लिकेशन के अंडर ग्रुप बनाना चाहते हैं तो इस इनको मल्टीप्लिकेशन के अंडर ग्रुप बनाने के लिए और एक कंपोजिट नंबर अगर आपका मॉडलो हो और एक प्राइम नंबर अगर आपका मॉडलो हो तो दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसकी वर्किंग आसान है। इसको अगर आप अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाना चाहते हैं, जैसे कि Z3 मैंने आपके सामने लिखा है, तो इसमें से सिर्फ मुझे 0 इग्नोर करना पड़ा, वैसे ही जैसे यहाँ पे पॉलिसी थी आपको सिर्फ 0 इग्नोर करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि आपका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे मॉडलो आपके प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स जो हैं अपने तमाम रेजिड्यूज़ के साथ क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। ये एक नोट कर लें आप, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो अपने वो तमाम नंबर्स जो उन प्राइम से लेस होते हैं और पॉजिटिव से शुरू होके, ये 0 से शुरू होके 1 से शुरू होके उस नंबर से लेस तक जितने भी उसके रेजिड्यू क्लास आप समझ लें कि रेजिड्यू क्लास जो है वो उस प्राइम नंबर के साथ हमेशा को प्राइम होती है, जैसे कि आपके सामने है। सिर्फ अगर प्रॉब्लम करेगा तो 0 प्रॉब्लम करेगा तो 0 को तो हमने वैसे ही निकालना है। इसका मतलब है कि जितने भी प्राइम रेजिड्यूज़ हैं, प्राइम मॉडलों हैं, उनकी रेजिड्यू क्लास को मल्टीप्लिकेशन के अंडर बनाने के लिए हमें सिर्फ एक स्टेप करना पड़ेगा, जबकि अगर आपके पास कंपोजिट मॉडलो है तो उसमें वर्किंग आपकी थोड़ी ज़्यादा है उसमें, क्योंकि बहुत से नंबर्स बीच में ऐसे भी आ जाते हैं जो कि आपके मॉडलों के साथ को प्राइम नहीं होते। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी और ये हमारी 6 एग्जाम्पल्स हो गई। 7th एग्जाम्पल जो हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और जिसके साथ हमारी डीलिंग बहुत ज़्यादा होगी, मैं आपके सामने वही मेन और कोशिश कर रही हूँ कि मेन और मेजर ग्रुप्स वो रखूँ जिनको हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, जिनके अगर हमें बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी है। उसमें 7 नंबर पे आपके पास है क्वार्टनियंस का ग्रुप, ये BSc में भी आप पढ़ चुके हैं, MSc में भी इसके साथ बहुत ज़्यादा डीलिंग है। क्वार्टनियंस के ग्रुप को चाहे आप Q से रिप्रेजेंट कर लें, Q से अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं और आपको इमेज पड़ता है जैसे कि रैशनल नंबर से, तो आप इसे सिंपल G से रिप्रेजेंट कर लें, बट ये बाई नेम आप इसे याद रखें कि क्वार्टनियंस का ग्रुप है। इसका पहचान ये है कि इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स के स्पेसिफिक बिहेवियर होते हैं। ये स्पेसिफिक बिहेवियर उन एलिमेंट्स का आपके सामने लिखा हुआ है। इस एलिमेंट्स के अंदर प्लस माइनस कैपिटल आई है, जो कैपिटल आई है ये आपको बता दूं कि ये दरअसल प्लस माइनस 1 की तरह ही है। अक्सर जगहों पे ये प्लस माइनस 1 होगा और अक्सर जगहों पे आपके पास प्लस माइनस आई लिखा होगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट वही है जो प्लस माइनस 1 का है। ये जो प्लस माइनस आई, जे और के हैं, ये आपके पास बिल्कुल वैसे, अगर आपने फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको है तो फिजिक्स में जैसे यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो आई जे के बिल्कुल एक्स वाई जी के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वैसे ही तकरीबन इनका बिहेवियर है। और इनकी कुछ इन्हीं एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, बिकॉज ये आम लाइफ के एलिमेंट से हट के हैं, इसलिए इन एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन भी आपको यहाँ पे डिफाइन की होती है कि ये मल्टीप्लाई आपस में कैसे होते हैं, और ये सेल्फ मल्टीप्लिकेशन भी बताई हुई है और एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन भी बताई हुई है। जैसे कि अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन को समझना चाहते हैं तो आप, क्योंकि ये ग्रुप, ये सेट ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन आपको बताए हुए। अगर आप एक सर्कल बना लें उसमें ये तीनों एलिमेंट्स आई जे के रख लें और क्लॉक वाइज इनकी डायरेक्शन रख लें तो आप देखेंगे यहाँ से आपको समझना आसान है कि मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आता है। आई को अगर आप जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमेनिंग के आता है, और अगर जे को के से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमेनिंग थर्ड एलिमेंट आता है, और के को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमेनिंग जे आता है आपके पास। इसके अलावा अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन रिवर्स कर देते हैं, यानी कि आप क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो आपके पास आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय ये कि सिंबल चेंज हो जाता है, क्योंकि आपने इस एरो की डायरेक्शन से हट के चले हैं। तो ये ट्रिक है इसको याद रखने की। इसके अलावा आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर और के का स्क्वायर जो है आपके पास माइनस आई आता है, ये माइनस आई यहाँ पर वही है जो कि माइनस 1 होता है, आप इसको माइनस 1 समझें, ठीक है जी। ये है क्वार्टनियंस के ग्रुप। इसके अलावा सिमेट्रिक ग्रुप है, आप 8वें नंबर पे आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप बेसिकली एक अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है अगर आपको याद हो हमारे पास अब्दुल मुजीद की बुक में एक पूरा चैप्टर है सिमेट्रिक ग्रुप्स के ऊपर।
खैर उसको भी देख लेंगे, लेकिन आपके पास क्योंकि हम यहाँ पे हमारा फोकस जो है वो मेन पॉइंट्स के ऊपर है, तो हम उसमें से वो सिमेट्रिक ग्रुप जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो आपके पास S3 है। S3 जो है वो उसके अंदर मेन आपको बात बता दूँ कि इस कि एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि नॉन साइक्लिक होता है। यहाँ पे आप स्पेसिफिकली लिख लें, ये नॉन साइक्लिक होता है और इसके अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं। इसका ऑर्डर जो है वो 6 होता है और इसकी डिग्री जो है वो 3 होती है। बस आप इतना याद रख लें, अगर इसकी डिटेल में जाना होगा तो वो हम बाद में जाएंगे। ये जो ग्रुप है इसके साथ भी हमारी डीलिंग बहुत ज़्यादा है। उसके बाद 9वें नंबर पे डायहेड्रल ग्रुप्स आते हैं। डायहेड्रल ग्रुप्स की ये जनरल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने लिखी हुई है। ये भी एक चेन ऑफ ग्रुप है। 9 नंबर पे जो डायहेड्रल है और जो सिमेट्रिक ग्रुप है वो भी एक चेन ऑफ ग्रुप्स हैं। उसमें से सिर्फ S3 को हम डिस्कस करेंगे और जो डायहेड्रल ग्रुप है वो भी एक चेन ऑफ ग्रुप्स हैं, बिकॉज अगर आप यहाँ पे सबस्क्रिप्ट चेंज करते जाएँ तो आपके पास डिफरेंट यहाँ पे डायहेड्रल ग्रुप्स आएंगे। तो ये भी एक चेन ऑफ ग्रुप है जिसमें से हम 2-4 डायहेड्रल ग्रुप्स जो हैं, जैसे D2 है, D3 है, बस यहाँ तक हम रहेंगे। ज़्यादा इसमें हम गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो कोर्स है जहाँ तक है हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। 10वें नंबर पे आपके पास NH रूट ऑफ यूनिटी के एक ऐसा ग्रुप आता है जिसके अंदर ग्रुप्स है, बल्कि ये ग्रुप नहीं है, ये भी एक कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स है, एक चेन ऑफ ग्रुप है। तो इसके अंदर भी बहुत से ग्रुप्स होते हैं जिसको जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, बिकॉज अगर आप N यहाँ पे वेरी करते जाएं, N स्टैंड्स फॉर द इंटीजर्स। N यहाँ पे इंटीजर्स हैं और यहाँ पे आपके पास N जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये जो है ये आपके पास nth रूट ऑफ यूनिटी के क्लासेस होती हैं और अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये सेट भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है, ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है और सिमेट्रिक ग्रुप भी अंडर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो ये कुछ मेन हमारे पास ग्रुप्स थे जिनकी डीलिंग जिनमें हमारे पास कोर्स में बहुत ज़्यादा डीलिंग है। होप्स हो कि आज के लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। बिल्कुल बेसिक चीज़ इसमें मैंने डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे थोड़ा एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और प्रोसीड करते जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग, हर एंगल को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरा ये लेक्चर देखें और इसको शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।